हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में दो नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को ऐड करके उनका सम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो हियर वी विल बी प्रिंटिंग द सम ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स। तो लेट अस सी हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं। हमेशा की तरह हमारे कोड की जो पहली लाइन होगी वो होगा हमारा सिस मॉड्यूल। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं हमारे सिस मॉड्यूल को। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें एक एक करके सारे आर्ग्यूमेंट्स का सम लिखना है। यानी कि अगर मैंने आर्ग्यूमेंट में 1, 2, 3, 4 पास किए तो जो मेरे को आंसर मिले दैट शुड बी 1 + 2 + 3 + 4 That is equal to 10. तो मेरे को 10 यहाँ पर जो है वो प्रिंट कराना है, राइट? तो आर्ग्यूमेंट्स का सम प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं सम और उसे जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। Why? Because zero is nothing but identity for addition. तो जीरो जो है वो एडिशन की आइडेंटिटी है। उसके बाद हमें एक एक करके इन नंबर्स को पिकअप करना है, जैसे कि 1, then 2, then 3. Right? So I'll take a for loop for I in range. अब यहाँ पे हमें याद है कि जो हमारी argv list होती है, उस list का जो पहला element है वो तो cmd.py हमारे नाम है। तो zero से range start नहीं करनी है, start करनी है range 1 से और उसको length तक लेके जाना है sys.argv, right? तो इस length तक हमें इसे call करना है और फिर next line में हम लोग चले जाते हैं। अब हमें प्रिंट कराना है सम, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस इंट। याद रहे जो आर्गवी होता है वो हमारे पास एक लिस्ट जो होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होती है। तो आर्गवी और एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर एक्सेस करना है, राइट? तो हम उसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। तो होगा क्या, सम की वैल्यू पहले जीरो, जीरो के अंदर मेरा आई की इंटरेशन 1 से चलेगी, तो पहले जीरो में 1 ऐड होगा तो समिशन क्या आ जाएगा मेरे पास 1, राइट? फिर नेक्स्ट आइटरेशन में 1 के अंदर 2 ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 3, देन नेक्स्ट आइटरेशन में 3 के अंदर 3 ऐड होगा तो आंसर आएगा 6, एंड देन नेक्स्ट आइटरेशन में 6 के अंदर 4 ऐड होगा तो आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पर 10. तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वापस जाते हैं और प्रिंट करते हैं अपनी वैल्यू को, दैट इज द सम इज, और यहां पर हम अपने सम को प्रिंट करा लेते हैं, राइट? तो हियर इज हाउ वी कैन प्रिंट द टोटल सम ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स। तो कंट्रोल प्लस एफ से इसे सेव करते हैं, वापस जाते हैं अपने सीएमडी पे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करती हूँ सीएमडी, और यहाँ पे अगर हम अपने कमांड लाइंस देते हैं तो आई विल बी राइटिंग 1, 2, 3 and 4, एंड हियर द आंसर इज 10. तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में हर उस तरीके का कोड बनाया है जिस कोड को आप नॉर्मल पाइथन में बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर।